सो so, नालको में बहुत ही बढ़िया सा बाइंग हमें देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छे से स्टॉक भाग रहा है थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम का अगर मैं यहाँ पर पिक्चर देखता हूँ तो देख लो मेरी चैनल के ऊपर ये स्टॉक्स मैंने थर्टी वन रुपीज़ पर रिकमेंड किया था थर्टी वन रुपीज़ और वहाँ से ये स्टॉक आज कहाँ पहुँच चुका है देख लो कितना बैगर हो चुका है ये फाइव बैगर हो चुका है तो ऐसी ही एडवाइस आपको मिलेगी बार बार मिलेगी बट आपको मेरी चैनल के ऊपर कंटिन्यूसली वॉच करना है लाइफ टाइम हाई के ऊपर स्टॉक चल रहा है कोई प्रॉब्लम है नहीं ये आप देख लो 2008 के बाद अभी ये स्टॉक्स ने ऊपर की टेरिटरी में ट्रेड करना चालू किया है तो कितने साल हो गए करेक्ट आप देख लो 2008 से 2024, मतलब 16 साल हो गए और उसके बाद फिर अभी ये ऊपर की साइड ट्रेड कर रहा है कोई रेजिस्टेंस, कोई प्रॉब्लम है नहीं ये स्टॉक के ऊपर क्योंकि जब भी स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई के ऊपर चलता रहता है तो वहाँ पर टेक्निकली सभी पैरामीटर्स सभी बोलिश होते हैं और जो भी सेलिंग आता है वो फंडामेंटल साइड से सेलिंग आता है तो मेरे हिसाब से अभी इस स्टॉक के अंदर कोई भी डरने वाली बात नहीं है जो भी लोगों ने बाय करके रखा हुआ है मैं उनको एक सजेशंस दे रहा हूँ कि आप ट्रेल स्टॉपलस का सहारा लेके इस स्टॉक के अंदर होल्ड कर सकते हो नया फ्रेश लॉन्ग पोजिशन बनाने की एडवाइस तो मैं नहीं देता हूँ बट जो भी क्वांटिटी बाय करके रखी हुई है बिंदास से आप होल्ड कर सकते हो और अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ऊपर की साइड जितना बढ़ता है उस टाइम धीरे धीरे बुक भी कर सकते हो और वो मेरा लाइन ऑफ कंट्रोल और ट्रेलिंग स्टॉपलॉस का जो भी लेवल है वो है वन हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज़ तो इतना रिस्क लेके किसी को भी इस स्टॉक को होल्ड करना है तो आप ज़रूर से कर सकते हो अब यही चीज मैं आपको मेरे इंडिकेटर के ऊपर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि उसके ऊपर किस तरह के सिग्नल्स दिए हैं सिस्टम ने किस तरह से हमें गाइड किया है तो देख लो अभी भी रिसेंटली जो भी बाई सिग्नल आए हुए हैं एकदम बॉटम से बिठाया है सिस्टम ने 82 टू एटी थ्री के आसपास बिठाया है और अभी स्टॉक्स डबल हो चुका है सौ रुपये से ऊपर स्टॉक बढ़ चुका है तो सिस्टम इस तरह से आपको गाइड करता है हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने बताया कोई प्रॉब्लम है नहीं आप देखोगे हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर सीधा बाई का सिग्नल ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि स्टॉक जब लाइफ टाइम हाई पे चलता है तो कोई रेजिस्टेंस या कोई टेक्निकल पैरामीटर्स ख़राब नहीं होता है बट मैंने मेजड ऑन माई एक्सपीरियंस जिस तरह से मैंने आपको बताया है उस तरह से आपको काम करना है तो आप जरूर से काम कर सकते हो और बिलीव मी ये इंडिकेटर ले लिया आपने तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ठीक है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से आपको विदाउट एनी इमोशन गाइड करेगा तो जिस तरह से बताया है काम जरूर से कीजिएगा दोस्तों